हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके? हमारा आज का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं, आज फिर वीडियो डाल रहे हैं। तो इसका जो है सबसे पहले है सॉल्व टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 3 4 x इन द इंटरवल 0 डिग्री 360 डिग्री। इसमें जो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, 0 से लेकर 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से लेकर 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से लेकर 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 270 से ये होता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें इसके विदिन वैल्यू आनी चाहिए एक्स की। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने स्क्वेयर रूट ले लेना है जो हमारे प्रॉब्लम है। इसका जब टेकिंग द स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वेयर रूट लेंगे हम, तो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का बन जाएगा हमारा टेंजेंट एक्स, 3 का बन जाएगा हमारा प्लस माइनस ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट एक्स है या तो हमारा आएगा 3 या आएगा -3 अंडर रूट 3 ये वाला, और ये आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू देखें जो स्क्वेयर रूट ऑफ 3 है, टेंजेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो टेंजेंट अगर 60 डिग्री देखें तो उसे टेंजेंट 60 डिग्री होता है स्क्वेयर रूट 3। इसने पूछा है, इसने कहा 0 से लेके 0 एंड 360 पूरा पूरा में जाना है। तो सेकंड एक तो होता है टेंजेंट 60 का, एक होता है हमारा टेंजेंट 240 अगर हो तो भी ये वैल्यू बनती है। अब अगर हमारा देखा जाए माइनस स्क्वेयर रूट 3 है, तो इसके लिए एक तो होते है टेंजेंट 120 का, इसी तरह टेंजेंट ऑफ 300। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, आंसर आ जाएंगे एक तो 60 डिग्री, एक आ जाएगा 120 डिग्री, एक आ जाएगा 240 डिग्री, एक आ जाएगा 300 डिग्री। हमारे ये 4 आंसर आ जाएंगे एक्स के। ठीक है, अब मेरी आप आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कितने सालों से आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं, तो मैं आपको डिमांड नहीं कर रहा। मैं कहता हूं जो भी मैं वीडियोस डालता हूं उसमें जो आपको बेस्ट वीडियोस लगती हैं उनको शेयर करें अपने फ्रेंडली सर्कल में, अपने फेसबुक में, या कहीं भी, या किसी चैनल पे उसको शेयर करें। सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे, मेरे को प्यार काफी मिल रहा है आपका। सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, दोनों चीजें करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। बाकी एक और रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, जो इसके एवज में आप देना चाहती हैं पैसे के रूप में या कोई हेल्प के रूप में, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए। वही हेल्प आप किसी गरीब की, जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ने में असमर्थ है, उसको चाहे आपने 1 रुपया की हेल्प कर देनी है, चाहे 1,000 रुपये की कर देनी है, बल्कि कैश नहीं देना उसके लिए। कोई बुक्स लेके दे दो उसको, कोई स्कूल की फीस दे दो उसकी, या कोई उसको आप एजुकेट करो, ताकि जितने बच्चे पढ़ेंगे हमारा देश उतना ही तरक्की करेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सॉल्व टू साइन स्क्वेयर
एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इन द इंटरवल जीरो डिग्री 360 डिग्री। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। जब हमने साइन एक्स को वाई से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका जो इक्वेशन बन जाएगी ये देखो, टू वाई स्क्वेयर माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, ये तो आएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब हमारे पास जो बी है यहां पर, बी है माइनस थ्री प्लस माइनस ये बी आ गया, इसका स्क्वेयर आ गया माइनस फोर इंटू टू इंटू वन फोर ए सी, ए है टू, ये टू, ये वाला टू आ गया, सी वन ठीक है, डिवाइड बाय टू ए, टू इंटू ए, ए है टू, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है ये, अब अगर इसको इक्वल टू करेंगे तो थ्री का थ्री प्लस माइनस तीन नौ माइनस आठ डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया थ्री प्लस माइनस वन अपॉन फोर, तो ये हमारा दो चार, एक बटा दो, एक तो ये आ रहा है, दूसरा आंसर आ रहा है और चार बाई चार एक। इसका मतलब हमारा जो वाई इजकल टू वन और वाई इजकल टू वन बाई टू, अब अगर हमने देखना है साइन एक्स ये वन है, अब एक्स की वैल्यू वन 90 डिग्री अगर हो, साइन एक्स अगर साइन 90 हो तो वन होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और साइन एक्स वन बाई टू, तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होती है या एक्स की वैल्यू 150 डिग्री होती है, तो हमारे जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा एक तो 30 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 150 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन साइन ऑफ टू एक्स इजिकल टू टेंजेंट एक्स। अब हमने इस पे क्या करना है, हमने डबल एंगल आइडेंटिटी करेंगे हम साइन और कोसाइन के लिए, डबल एंगल आइडेंटिटीज फॉर साइंस एंड कोसाइंस। तो इसमें देखो सबसे पहले तो हमने जो
कॉस 2x है इजिकल टू कॉस 2x, ये हमें फॉर्मूला मालूम है। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2x2, ये हमें मालूम है। जो साइन 2x का होता है फॉर्मूला इजिकल टू 2 sin x cos x, ये दोनों चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है। दोनों फॉर्मूलाज हमें मालूम है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 square x, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। अब हमने क्या करना है, जो cos 2x है, cos 2x में ये वाला, इसमें cos 2x में ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना है। जो sin 2x है, sin 2x में ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब सब्स्टिट्यूट तो फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला ले देते हैं, या वन कर लेते हैं, फिर वन तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 - 2 sin² x अपॉन sin² x का 2 sin x cos x। तो जब इसकी इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो एक एक से कट गया, यहां पर 2 आ गया, 2 sin² x अपॉन 2 sin x cos x। अब देखो 2 2 से डिवाइड हो गया, जो साइन एक्स है अपना स्क्वेयर से हो गया डिवाइड, तो इजिकल टू आ गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, ये होता है हमारा टेंजेंट एक्स के बराबर। टेंजेंट एक्स हमारा, ये हमारा लेफ्ट साइड साइड है, तो ये भी इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी टेंजेंट एक्स आ गया। सो इट इज प्रूव्ड दैट 1 - cos 2x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये प्रूव हो गया हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स माइनस वन। तो हमें मालूम है कि यहां पर साइन एक्स है, टेंजेंट एक्स हमें प्रूव करना है। तो टेंजेंट एक्स कैसे बनेगा, टेंजेंट एक्स साइन एक्स को कन्वर्ट करने के लिए साइन एक्स को तो अगर हम कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट एक्स बन जाएगा। तो इसलिए हमने डिवाइड डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर बाय कॉस एक्स। तो हम जो कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स। कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स ये काट के एक रह गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये टेंजेंट एक्स, कॉस एक्स 1 आ गया। अब ये जो हमारा साइड आ गई, जो क्वेश्चन हमारा बताया था, ये वाली साइड आ गई, इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है,
ये प्रूव हो गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि हम इसको वन प्लस टेंजेंट एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स माइनस वन, तो ये प्रूव हो गया हमारा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन।